हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज का आपका क्लास होगा यानी कि मॉडल पेपर होगा इंग्लिश पोएट्री बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जिसका पेपर अभी आने वाला है या जिसका पेपर चल रहा है, तो उनके लिए ये पेपर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ छात्र छात्राएँ हमारे ये कह रहे थे कि सर इंग्लिश का पेपर जरूर लेके आइए, तो मैं उनके लिए यही है कि वो आज का जो पेपर होगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों अब ध्यान रहे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं वो मॉडल पेपर आपके बीच में लेके आया गया है। ये मॉडल पेपर 2016 और 17 के अंतर्गत जो बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग ही ये पेपर आपका बनाया गया है। आइए चलते हैं आपके मॉडल पेपर की तरफ, किस तरीके से आपका मॉडल पेपर है। और दोस्तों सबसे बड़ी अहम बात ये रहेगी कि आपको कितने सही से कितने अच्छे से लिखना होगा और कैसे क्वेश्चंस आपको पुटअप करके लिखना होगा, याद कैसे करना होगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अपने अर्थ को किस तरीके से प्रकट करना होता है, किस तरीके से अपने माइंड को वहाँ पर लगाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का और समझने का प्रक्रिया जारी रहे। तो यह चलते हैं आपके मॉडल पेपर की तरफ। तो आपका मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से था। ध्यान रहे दोस्तों कि आपका जो पेपर होता है वो बहुत ही टफ तरीके का होता है इंग्लिश का पेपर, जो अच्छे से आप लोग कर नहीं सकते हो। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए आपको ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। पहला तो अब इसमें आपको होता है कि बीए पार्ट वन सेकंड सेमेस्टर, ये आपका इंग्लिश का पेपर हो गया। पेपर है का नाम है इंग्लिश पोएट्री यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 और 22 के अंतर्गत आपके जो प्रश्न पूछे जाते थे सेम उसी के अकॉर्डिंग है। टाइम 3 घंटे का आप लोगों को पता ही। इसमें आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस सेक्शन ए का क्वेश्चन होगा और 50 वर्ड यानी कि 50 वर्ड में आपको 50 शब्द में लिखना है। उसमें पहले का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपका, व्हाट इज सॉनेट, सॉनेट क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सॉनेट का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सॉनेट का मतलब होता है सरोकार, सोनेट का मतलब होता है दोस्तों गाथा, यानी कि गाथा क्या है, या सरोकार की बात करें चतुर्दश पदी होता है, गीत होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोनेट का मतलब होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि द सोनेट आल्सो इज फ्रॉम ऑफ द लिरिक। अब लिरिक का मतलब होता है, लिरिक का मतलब होता है गीत, यानी कि द सोनेट आल्सो इज फ्रॉम द लिरिक एंड ऑफ ऑल एंड ऑफ ऑल इट्स फ्रॉम इट इट इज़ मोस्ट केयरफुली ऑर्डर्ड एंड बाउंड बाई डेफिनेट, यानी कि डेफिनेट। इसमें कहा गया है कि जो सोनेट है उसके अपेक्षा लिरिक जो बात करें तो यानी कि सोनेट गाथा है वो, यानी कहा गया है इसमें जो गीत के शब्द हैं, गीत के शब्द इसके अपेक्षा जो हमारे गाथा हैं उनके लिए एक बात कही गई है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें थोड़ा सा कि रिज्ड रूल्स यानी कि राइज्ड रूल्स, द वर्ड सोनेज इज ड्राइवर फ्रॉम द ग्रीक एंड सोनेट्रो मीनिंग आउंड, इट्स इज ए शॉर्ट लिरिक एंड 14 लाइन्स एंड द इटालियन पोएट पोएट्रिक वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द फ्रॉम द लिरिक एक्सप्रेस हिज लव ऑफ हिज ब्लॉब बिलॉब्ड, यानी उनके कहने का मतलब है जो 14 लाइन की कविता उन्होंने लिखी, यानी कि कविताएँ लिखी थी उसके गाथा को इस किस तरीके से इन्होंने अपने आप को पूर्णता निर्भर करते हैं। फिर इसमें लिखना होगा आपको कि एंड इट्स यूज बिकेम द मार्क ऑफ पोट्रे यानी कि पोट्रेचान लव पोएट्री ऑल एवर ओवर यूरोपी इन द 16th century, यानी कि 16वें सेंचुरी के बाद इन्होंने अपनी जो पैतृचान था यानी कि उनके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा था। उसके अनुसार फिर होगा कि पेट्रेच हैड डिवाइडेड टू सोनेट्स इनटू पार्ट्स द ऑक्टेव द 8 लाइन्स एंड द सिस्टेड ऑफ 6 लाइन, यानी 8 लाइन में और 6 लाइन में विथ ए पॉज
यानी कि केशुरा आफ्टर एट लाइन्स इट्स राइम स्कीम वॉज ऑफ ए बी बी ए ए और बी बी ए सी डी ई और सी डी ई, ये आपको मिलता है ए बी यानी कि फोर्थ लाइन और एट्थ लाइन में। तो ये होता है सोनेट। सोनेट का मतलब आप समझ गए व्हाट इज सोनेट। उसके बाद फिर डिफाइन ऑफ लायरिक। अब लायरिक को यानी कि गाथा को आप परिभाषित करिए, ये भी आपको क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है यानी सेकंड का, पहले का सेकंड क्वेश्चन है आपका कि द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यानी कि जो कंसाइज किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी से, वो राइट यानी कि लिरिक इज ए पोएम एक्सप्रेसिंग राइटर ऑन थॉट्स एंड सेंटीमेंट ब्रीफली इन स्टैंजा आर स्टॉप्स अकॉर्डिंग टू जेम्स यानी कि जेम्स रिवेस यानी कि जेम्स रिवेस के अनुसार कहा गया है कि इट इज़ ए शॉर्ट पोएम, यह एक छोटा सा कविता है, नो इन नो फिक्स्ड फॉर्म यानी कि इसमें फिक्स नहीं है, यानी कि स्टॉपेज नहीं है इसमें, फिक्स स्टॉपेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू जेम्स रिवेस इट्स शॉर्ट पोएम इन टू फिक्स्ड फॉर्म एक्सप्रेसिंग ए सिंगल थॉट एंड ए और इमोशन। तो इमोशन इज गुड कंडक्टरी ऑन एक्सप्रेसिंग, यानी कि उन्होंने इस चीज़ों को किस तरीके से अपने सोच के अनुसार एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेसिंग किया है, उनको अपने आप को एक्सक्लूसिव किया है और उनके इमोशन को जागृत किया है इसमें है। फिर यानी कि गीत के शब्द को, यानी लिरिक का मतलब था गीत, यानी कि गाथा के शब्द को किस तरीके से उन्होंने इस पर अपना मॉडिफाई किया है, यानी कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से उन्होंने अपना परिचय दिया है। फिर इसमें आपको लिखना होगा कि इन द लास्ट रिजल्ट दिस कंफर्टमिटी ऑफ द मोमेंट विथ ए इमोशन इन ए पोएम इज ऑल द नीडेड टू कॉन्स्टिट्यूट इन ए ट्रू लिरिक, यानी कि यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने अपने पोएम के अनुसार यानी कविता के इमोशन को जागृत किया है, यानी कि मोमेंटम बदला है, और किस तरीके से उस गाथा की कविता को उन्होंने अपने सत्यता यानी कि सत्य की चाह को बदला है। ही इट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए क्विंटिनेंस ऑफ मोमेंट्री गुड जनरेटेड इनटू वर्ड्स। तो इन्होंने किस तरीके से अपना लिरिक के बारे यानी कि गाथा के बारे में प्रदर्शित किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है, यानी कि किसके अनुसार ये कहा गया था, ये कहा गया था जेम्स रिवेस यानी कि जेम्स रिवेस के बारे में, ये चीज़ इन्होंने अपने यानी कि गाथा के बारे में किस तरीके से अपना विचार प्रकट किया है, थॉट कैसे प्रकट किया है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये आपका लिरिक के बारे में बताया गया। तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एपिक, यानी कि एपिक क्या है ऑफ द आर्ट, एपिक ऑफ द आर्ट, व्हाट इज़ द एपिक ऑफ द आर्ट, गिव एग्जांपल्स यानी कि इसका उदाहरण दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। अब आपका आता है व्हाट इज़ द एपिक ऑफ आर्ट, यानी कि महाकाव्य एक कला है क्या है, इसको एग्जांपल के तौर पे आप इसको प्रदर्शित कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। एपिक का मतलब होता है दोस्तों ये आपका महाकाव्य। इसमें आपको लिखना होगा कि एन एपिक ऑफ आर्ट, यानी कि एपिक एक कला है, यानी कि महाकाव्य एक कला है, यानी कि महाकाव्य को जो उन्होंने बताया है एन एपिक आर्ट का मतलब है कि जो एपिक है यानी कि महाकाव्य है वो एक कला है। इज एन आर्टिस्ट यानी कि इमिटेशन ऑफ द मैनर एंड स्टाइल ऑफ द ऑथेंटिक एपिक आर ही एपिक ऑफ ग्रोथ। इट इज वर्क ऑफ वन मैन हु ट्राइज टू इमिटेट एंड एक्सेल्स द अर्लियर पोएट्स एनाइड पैराडाइज लॉस्ट आर सच एपिक्स। तो ये होता है यानी कि एपिक ऑफ आर्ट, यानी कि बात करें तो व्हाट इज़ द एपिक आर्ट की एग्जांपल के यानी कि उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे यानी कि महाकाव्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें चौथा नंबर, व्हाट इज़ द टोन ऑफ ए पोएम। अब इसमें आपका
पोएम का जो टोन बनाया गया है वो चीज़ें कविता का जो मूल रूप से इसमें लिखना होगा टोन ऑफ ए पोएम। टोन कैन ए प्लेफुल हार्मरस रिगार्डफुल एनीथिंग एट कैन चेंज एज द पोएम गोस अलोंग व्हेन यू स्पीक योर टोन और वॉइस सजेस्ट द और योर एटीट्यूड इन फैक्ट इन सजेस्टेड टू एटीट्यूड ऑन कंसीडरिंग द पीपल यू आर एड्रेसिंग योर ऑडियंस एंड वन कंसर्निंग द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट। मतलब इसमें बताया गया है आपका कि यानी टोन या पोएम यानी कि जो कविता का सुर है वो किस तरीके से यहाँ पे आपको प्रदर्शित करना है, किस तरीके से यहाँ पे लिखना है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि हार्मरस जो टोन है यानी सुर है वो प्लेफुल में यानी कि चलते हुए में भी, हार्मरस में भी, उसके बाद फिर रिगार्डफुल में, एनीथिंग एंड कैन चेंज द पोएम गोस अलोंग यानी कि कहीं भी आप किसी भी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं और जैसे भी जैसे जैसे आपका ये एटीट्यूड है, कंसर्निंग है पीपल और एड्रेसिंग है, ये सारी चीज़ में अपना जो है टोन ऑफ पोएम को चेंज करते हैं। तो यही होता है कि टोन ऑफ पोएम का अर्थ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है पांचवा क्वेश्चन यानी कि पहले का पांचवा, शेक्सपियर एज ए सोनेटर यानी शेक्सपियर एज ए सोनेटर। अब शेक्सपियर जी ने सोनेटियर के बारे में क्या बताया है इन्होंने, आइए हम आपको यहाँ पे थोड़ा बताते हैं कि शेक्सपियर वाज वन ऑफ द मेजर सोनेटियर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। नोबडी इल्स कुड हैव ए डेप्थ एंड वैरायटी हिज सिंप्लिसिटी बट रिचनेस ऑफ थाट। दियर इज द परचेज no collection of English poetry more widely known and praised than Shakespeare's sonnets and certainly in the collection of English poetry has been more often misused and misread। तो ये शेक्सपियर जी का जो सोनेट्स से तात्पर्य बताया है वो इस प्रकार उन्होंने बताया कि मेजर सोनेट्स ऑफ द एलिजाबेथन यानी कि उन्हीं के एलिजाबेथन के जो सोनेट्स के था उसको यहाँ पे क्लियर किया है और फिर इनोसेंट यानी कि दया इनोसेंट में दयालुता का यहाँ पे परिचय देते हुए एग्री यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वैरायटी इज द सिंपलिसिटी ऑफ द रिचनेस ऑफ थाट यानी कि जिस वैरायटी की सोच होती है उसी से आदमी धनवान का संज्ञा देते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि छठा नंबर कि हाउ डज द शेक्सपियर डिफाइन्स द ट्रिपल यानी कि शेक्सपियर जी ने किस प्रकार यानी कि सत्य सच्चा प्यार को किस तरीके से ने अपना मत प्रकट किया है। तो इन्होंने बताया है कि शेक्सपियर डिफाइंड द ट्रिपल एज एन इंटरनल एलिमेंट लाइक जैसे एज द पोल स्टार व्हिच गाइड्स शिप एंड ह्यूमैनिटी एमोंग द स्टॉर्म्स द मिसफॉर्चून एंड फेलर्स। द पोएट सेज ट्रू यानी कि कवि जी यानी कि कवि क्या बोलते हैं इसमें कि लव डज नॉट चेंज थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम यानी कि जो प्यार होता है वो कभी चेंज नहीं होता है कभी भी और किसी भी समय पर। द फिजिकल ब्यूटी मे फेड अवे विथ द पासिंग of time true love remaining internal it does not change in hours of year but remains true and sincere to the last day और वो निरंतर चलता रहता है डे बाई डे। तो ये होता है सच्चा प्यार यानी कि ट्रू लव यानी शेक्सपियर डिफाइंड द ट्रू लव ऑन द नेक्स्ट टाइम एंड ट्रू एंड द सेंसर्स ऑफ द लास्ट डे। और फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसमें सातवां नंबर कि व्हाट इज द डोनिस आइडिया ऑफ लव यानी कि डोनिस जी का क्या विचार है लव के बारे में। तो ये चीज़ें उन्होंने अपना मत प्रकट करते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है आंसर डाल के लिखेंगे आप लोग। आंसर में दोस्तों आपको लिखना होगा
कि अकॉर्डिंग द जॉन डॉन, यानी कि जॉन डॉन ने कहा गया है, जॉन डॉन के अनुसार कहा गया है कि ट्रू लव इज द अनडाइंग, यानी कि ट्रू लव इज अनडाइंग, इट इज बी वन टाइम प्लेस एंड ऑल मॉर्टली डिस्पाइज द फिजिकल अब्सेंस ऑफ द बिलव्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द लवर। उसका भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एर्थ नंबर, व्हाट इज द नेचर ऑफ यश ऑफ मैन, प्रकृति के बारे में यहाँ पे आपको यश से लिखना है, प्रकृति और आदमी, आदमी के बारे में यानी मनुष्य के बारे में। अब आपका आता है इसमें व्हाट इज द नेचर ऑफ यश मैन, इसमें लिखना होता है कि एस ए मैन, एस ए ऑन मैन इज ए डिटेक्टिव पोएम, इट इज़ द फिलोसफिकल पोएम रिटन इन ह्योरिक कपल्ड। तो इसका नेचर ऑफ हिस्से का मतलब यही होता है कि हिस्से ऑफ द मैन इज ए डिटेक्टिव पोएम होता है, डिटेक्टिव पोएम होता है, इट इज़ द फिलोसफिकल पोएम रिटन इन हीरोइक कपल्ड, यानी कि किसने लिखा था फिलोसफिकल पोएम में, अपने हीरोइक कपल्ड में लिखा था फिलोसफिकल पोएम। उसके बाद फिर दसवां आपका आता है कि गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए डोवर बीच, डोवर बीच क्या होता है, इंट्रोडक्शन दीजिए इस पर आपको। अब इसमें आपको लिखना होता है आंसर, आंसर में लिखेंगे कि पब्लिश्ड इन न्यू पोएम्स इन 1867 डोवर बीच इन एनरोल्ड्स अर्ली पोएम, यानी कि इनमें बताया कि इस जो ये 1867 में डोवर बीच का पोएम ने अपना अर्ली पोएम यानी कि एस्टेब्लिश किया था वो इंटाइमेटली यानी कि इमीडिएटली आफ्टर इन मैरिज विद फ्रांस लूसी बिंगटमैन हिज बिस्टन डोवर बीच विद हर, द पोएम हैज मेलनकोलिक स्ट्रेन ओवर बीच ब्रीथ्स ए नॉस्टैल्जिक राइम एज ए क्लासिस्ट एनरोल्ड डज नॉट सिंग परफ्यूज स्ट्रेनिंग ऑफ अनप्रीमेडिटेड आर्ट, दिस पोएम इज एसेंटली लिरिकल एंड रिलीफ यानी कि रिफ्लेक्टिव, दिस पोएम एम्ब्रेक्स इज ए ग्रेट रेंज एंड डेप्थ एंड सिग्निफिकेंस। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ डोवर बीच का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दसवां क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि व्हाट इज द एलियट इम्प्रेशनल ऑफ पोएट्री। अब इसमें आपको होता है एलियट्स इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, यहाँ पे लिखना है कि एलियट्स होल्ड्स दैट द पोएट एंड द पोएम आर टू स्प्रेड्स थिंग्स एंड द दैट द फीलिंग ऑफ इमोशंस आर वर्जन, वो इमोशन आर विजन रिजल्टिंग फ्रॉम द पोएम, रिजल्टिंग फ्रॉम द पोएम इज द समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फीलिंग आर इमोशन इन द माइंड ऑफ पोएट। तो ये जो फीलिंग इमोशन की जो फॉलिंग फीलिंग जो जागृत होती है वो माइंड के यानी कि उन्होंने कवि के पोएट कवि के दिमाग में किस तरीके से पोएम का जो रिजल्ट यानी कि बात करें तो इसका परिणाम आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोएट्री के बारे में चीज़ें थी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चन क्लियर हुआ, यानी कि 10 क्वेश्चन क्लियर ऑल सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन एंड 2 वर्ड्स इन राइटिंग पेज, यानी कि 200 वर्ड्स 200 शब्दों में आपको लिखना है सेक्शन बी के। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें और चैनल को एक दूसरे के माध्यम से शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि एक दूसरे का अगर आप अच्छे से लिखेंगे अच्छे से आप लोग को देते हैं वीडियो को तो अच्छे से वो भी पढ़ के अपना पेपर अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि एक्सप्लेन द रेफरेंस टू आर्ट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको लिखना है रेफरेंस उसके अंदर फिर इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑन द फॉलोइंग, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस उसके अंदर फिर इसका अर्थ लिखना है। तो आइए आपको बताते हैं, पहला क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि फर्स्ट लेट मी नॉट टू रिमूवर टू रिमूव, इसका मतलब क्या होता है लेट मी टू नॉट टू रिमूवर टू रिमूव डॉट डॉट करके, तो इसका आइए हम आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और फॉलोइंग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अब आप लोग दोस्तों हेडिंग डालेंगे इसमें आंसर में रेफरेंस, हेडिंग डालेंगे रेफरेंस, रेफरेंस में आपको लिखना होगा
कि देयर आर ओपनिंग लाइन्स द सोनेट, यानी कि देयर आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द सोनेट ट्रू लव रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। कॉन्टेक्स्ट डालेंगे इसमें, आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दिस लाइन्स शेक्सपियर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू लव, यानी कि शेक्सपियर जी ने कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि चरित्र चित्रण किया है ट्रू लव के बारे में। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि शेक्सपियर सेज दैट वन शुड नॉट ट्राई टू पुट ऑब्स्टेकल इन द स्मूथ कोर्स ऑफ ट्रू लव बिटवीन टू पर्सन्स आर द सिंपल रीजन दैट रूल लव यील्ड्स टू डिफिकल्ट आर रिवर्स। ट्रू लव इज नॉट द ऑर्डिनरी काइंड ऑफ फॉल्स फिजिकल लव दैट कैन चेंज इट्सेल्फ ऑन द ट्रिवियल प्रीटेक्स्ट। फॉल्स लव इजली फील्ड्स टू बी हार्डनेस कास्ट इन इट्स वे द एडवर्सरी इट इज द आइदर सेंसर्स नॉट लास्टिंग। फॉल्स लव इन ए फिजिकल फिनोमियन व्हिच बाय इट्स वेरी नेचर एंड ट्रांसिशंस एंड टेम्पररी। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें बताई गई हैं, और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको लेट मी नॉट टू रिमूवर टू रिमूव का आपको बताया डॉट डॉट करके, यानी इसमें होता है आपका, हम थोड़ा आपको पूरा क्लियर करके बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड एडमिट इन द इम्पेडिमेंट लव इज नॉट लव व्हिच अलर्ट व्हेन अल्टरनेशन फ्रेंड आर बैंड्स व्हिच द रिमूवर टू ए रिमूव। तो इसका इसमें आपको होता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड यानी कि एक्सप्लेनेशन। अब आपका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर आपका आता है व्हेन आई कंसाइडर नाउ ही रिटर्निंग चाइल्ड, इसमें आपका होता है व्हेन आई कंसाइडर हाउ माय लाइफ इन स्पेंड एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड इन द वाइड एंड द डार्क एंड वाइड एंड देट वन टैलेंट फिज इन द डेथ आउट वाइड लॉन्ग विथ द यूजलेस थ्रो माई साउल मोर बेन टू शर्व देयर विथ द माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लास्ट रिटर्निंग चाइल्ड। इसमें आपका रेफरेंस एंड टू द कॉन्स्टेंट, दोनों इसमें आपको लिखना है रेफरेंस एंड टू कॉन्स्ट। रेफरेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है विलियम शेक्सपियर जी का दियर लाइन इन, इसमें आपको लिखना है दियर लाइन व्हिच हैव बीन राउंडेड ऑफ द कपल ऑकर, यानी कि दियर्स पोएटिक लाइन्स द टेकन फ्रॉम द जॉन मिल्टन फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंड व्हिच लेमेंट द लॉस इन लॉफ ऑफ द पोएट हाइसेस्ट इन द हिज मिड ऑफ लाइन, यानी कि इन द ईयर ऑफ 1652 बट द पोएट Unshakable faith in God is also articulated forcefully in this poem। तो ये रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका। एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना होगा कि स्पीकिंग ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि व्हेन आई कंसाइडर ऑफ द माई ही लाइट इज स्पेंट का इसका मीनिंग होता है कि स्पीकिंग ऑफ द हिमसेल्फ द पोएट सेज विथ सोरो दे हिज आई साइट्स वॉज गॉन एज ऑफ एट ए टाइम व्हेन ही वॉज इन द कोर्स ऑफ हिज मिडिल लाइफ, यानी कि ऑफ माई डेज एंड द डार्क वर्ड एंड वाइड, इसका मतलब होता है, यानी कि इसका अगर पर्यायवाची देखा है डार्क वर्ड एंड वाइड, तो इसका आप लोग एक मुहावरा के यानी कि लोकोक्तियों के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे आप लोग उसमें बोलते हैं कि वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूट, उसके बाद फिर आपका आता है कि एंड दैट दिस मेड हिम माइजरेबल इन द डार्क एंड वाइड वर्ल्ड ड्यू टू हिज क्लाइमेटी हिज टैलेंट कुड नॉट बी यूज प्रॉपरली एंड डू नॉट यूज वंस टैलेंट इज एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डेथ बट द क्लाइमेटी ऑल्सो स्ट्रेंथ द पोएट फेथ इन गुड गॉड For he wanted present clean image himself when appeared before the Almighty otherwise God
वुड एडमोस यानी एडमोनिस हिम इन द हर्शेस्ट मैनर। कमेंट्स में आपको लिखना होगा, इसमें कमेंट हेडिंग डालेंगे, कमेंट में होगा कि दिस पोएटिक एस्ट्रैक्ट प्रेजेंट द पोएट पोएट्स डीप सेंस ऑफ द सॉरो ओवर द लॉस हिज विजन एंड येट एक्सप्रेसेंस हिज प्रोफाउंड सेंस फॉर फियर ऑफ फियर द वर्थ ऑफ ऑफ द मेकर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज आइडिया हेयर इन द स्पाइल्ड डिडिक्शन एंड हिज द स्टाइल ऑफ द डायरेक्ट अंडर यानी कि अनएडॉर्म्ड यानी कि वर्ड एंड वाइड के बारे में कि रिटर्निंग जो चाइल्ड उन्होंने बताया कि कंसाइडर्ड ऑन ही रिटर्निंग चाइल्ड कि किस तरीके से उनके प्यार में किस तरीके से सारी पॉइंट्स होते हैं इनकी डायरेक्ट एंड द अनएडॉर्म्ड। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है चौथा कि सेव दैट फॉर्म यानी कि सेव दैट फॉर्म द हाँ यहाँ पे लिखे सेव दैट फ्रॉम द गोंडर सनलाइटरी राइन यानी कि अब आपको चौथा पे लिखना होगा। अब इसमें आप लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस में आपको डालना होगा चौथे में रेफरेंस लिखना होगा इसमें आपका कि इन दीज लाइन वेज हैव बीन एक्सेक्टेड फ्रॉम ग्रेस इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड यानी कि चर्चयार्ड यानी कि गिरजाघर के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। कंट्री यानी कि जो यानी कि गिरजाघर का देश है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। कॉन्स्टेक्स में है इन दिस लाइन्स ग्रे ड्रॉस ए पिक्चर्स ऑफ द काल्म इवनिंग हुइज द सर्व्स एज ए बैकग्राउंड टू द इली। फिर एक्सप्लेनेशन में आपका हो जाएगा इसमें कि इन दिस लाइन द पोएट्स टेल्स अस दैट डीप साइलेंस प्रिबलिंग इन द इवनिंग इज ब्रोकन बाई ए ड्रोनिंग बीटल एंड द ड्रोसी थिंकलिंग कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट फोल्ड्स द ब्रीदलेस इवनिंग इज ए फर्दर डिस्टर्ब्ड बाई द हूटिंग ऑफ एन आउल द आउल इज सिटिंग इज द रेस्टिंग नेस्ट बिल्ड यानी कि ये जो बताया जा रहा है यानी कि उल्लू आउल मिस होता है उल्लू, आउल का मतलब होता है उल्लू और नेस्ट यानी कि नेस्ट मतलब होता है उसका नेस्ट घोंसला यानी कि जो उल्लू के बारे में बताया जा रहा है ये मैं बता दूँ इसको ये सीधी सीधी बात है कि डीप साइलेंस प्रेवलिंग इन द इवनिंग इज ए ब्रोकिंग माई ड्रोनिंग बीटल तो द ब्रीथल। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा नेक्स्ट में यानी कि डिस्टेंट फॉल्ट के बाद में द ब्रीथलेस इवनिंग इज द फर्दर डिस्टर्ब्ड बाय द वूटिंग ऑफ आउल द आउल इज सिटिंग इन हिज यानी कि रिटायरिंग नेस्ट बिल्ड इन द होलो ऑफ ए टावर कवर्ड विद ए क्रीपर ही इज द वूटिंग In order the register his complaints against the moon which moving near his nest and disturbing his solitary kingdom। तो जैसे इन्होंने बताया है कि अपने राज्य के बारे में कि जैसे चर्चयार्ड में कि किस तरीके से उल्लू अपने घोंसले में बैठा हुआ होता है लेकिन उसके जो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो अपने राज्य में वो सोचता है कि कितने कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर कितने उसके ऊपर हाउ मेनी टाइप्स इन इन प्रॉब्लम्स इन आउल्स रिटर्निंग नेस्ट बिल्ट में तो कितने भी वो करते रहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें रही हैं कि चर्चयार्ड यानी कंट्री चर्चयार्ड में उन्होंने अपने देश के बारे में कितने उन्होंने अपनी बुराइयाँ एक उल्लू के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें यानी कि चौथा भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया, तीसरा बताया, दूसरा बताया, फिर पांचवा क्वेश्चन कि राइट ए नोट ऑन द एपिक यानी कि एपिक मतलब मैंने आपको बता ही दिया महाकाव्य कि एक महाकाव्य के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। तो आइए बताते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप लिखेंगे ओरिजिन एंड मीनिंग, हेडिंग डालेंगे इसमें आप राइट नोट ऑन द एपिक में कि ओरिजिन एंड मीनिंग। द टर्म एपिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक रूट एपोस Which means in a word, epos यानी कि जो ग्रीक भाषा में लिखा है epos
अपोज व्हिच मीन्स ऑफ ए वर्ड, इसका वर्ड से मतलब होता है, जो अपोज का मतलब होता है वर्ड का मतलब होता है, द टर्म इज द अप्लाई टू ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम द रिलेट्स हीरोइक्स इवेंट इज इन एलिवेटेड स्टाइल द एपिक फ्रॉम द व्हिच मोस्ट एग्जाम्पल हैव बीन ड्रॉन इन क्रिटिकल थ्योरी आर होमर इज इलियड एंड ओडिसी, यानी कि इलियड और ओडिसी में इन्होंने बताया है कि एंड वर्जिल एनाइड इज, यानी कि वर्जिल एनाइड ईच ऑफ द क्लासिकल एपिकल मॉडल्स इज ए वेरी एलबोरेट लॉन्ग स्टोरी इन द हीरोइकल एक्शन ऑफ द सफरिंग्स हैव बीन रीजनेबल मैग्नीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्सिटी इट इज सिस अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु जी ने बताया है कि एन इमिटेटेड ऑफ सीरियस एक्शन हुल एंड अ कंप्लीट विथ बिगनिंग ए मिडल एंड ऑन एंड द कंपोनेंट पार्ट आर ऑफ एन एपिक आर्ट प्लॉट कैरेक्टर थॉट डिक्शन एंड कैथरस थीम, इसका क्या होगा थीम में आपको हेडिंग डालना है, थीम थीम में क्या आएगा कि द एपिक इज द ऑप्टन prompted in part by nationalism's feeling it is celebrated the heroic exploit and the legendary character of national importance the theme of a epic started and the first few lines composed by an invocation to some god godness ab aap phir dusra next running plot प्लॉट में क्या आएगा द एपिक इज द स्टोरी ऑफ द सम हीरोइक एक्शन द एक्शन इज द डियर फॉर नेवर ट्रिवियल इट इज इट हैज़ ए कम्प्लेशन कॉम्प्लिकेशन ए टर्निंग पॉइंट एंड ए डिक्लाइन इट हैज़ अंटिल ऑफ द एक्शन ऑल्सो ऑल द इवेंट एंड द इंसिडेंट्स आर सबॉर्डिनेट ऑफ द मेन एजाइन ऑफ द पोएम देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फिजिकल ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बॉथ फिर आप हेडिंग डालेंगे कैरेक्टर प्लॉट कैरेक्टर कैरेक्टर के बाद डालेंगे आप देयर आर ए नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन एपिक सम ऑफ देम आर पोर्ट्रेड इन ग्रेट डिटेल हाउएवर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द सबॉर्डिनेट टू द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम कैरेक्टर में इन्होंने लिखा है इस तरीके से फिर आपका था कैरेक्टर कैथरिसिस कैथरिसिस में क्या आता है कि इट प्रोड्यूस द सेम काइंड एंड प्लीजन ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी इट पर्ज आर बेसर इमोशन एंड लीव्स अस बेटर देन बी बेयर फिर आता है डिक्शन एंड स्टाइल इसका डिक्शन एंड स्टाइल क्या है द स्टाइल इज वेरी डिजनिटी जनरली रेदर ऑर्नेट एंड फॉर्मल द फिगर ऑफ स्पीच यूज आर ऑफ्टन वेरी एलिबोरेटेड फिर फॉर्म से आप लिखेंगे कि द एपिक हैज़ एलबोरेट ग्रैंड डिजाइन एंड द डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ बॉक्स इन द कोर्स ऑफ एक्शन ए नंबर ऑफ एपिसोड्स रिलेटेड अंडर वंडरिंग मोमेंट्स ऑफ ट्रूप्स एंड बैटल अर्थ डिस्क्राइब्ड इन डिटेल सुप्रीम्यूचुअल एजेंट आर ऑल्सो सो participating in the main action of the poem और फिर example इसका क्या होगा कि होमर जो होमर की पुस्तकें हैं इलियड एंड ओडिसी हो गया वर्जिल का एनाइड हो गया मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट हो गया एंड पैराडाइज रेजेंट फिर स्पेंसर लिखा है कि द फेरियल क्वींस तो ये इनकी जो मेन पुस्तकें होती हैं वो यहाँ पे कि होमर्स की आप लोग पता है कि होमर्स की जो पुस्तकें हैं इलियड एंड ओडिसी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिर वर्जिल का होता है एनाइड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिजाइन फिर स्पेंसर जी का है कि द फेरल ऑफ द क्वीन तो इस तरीके से आपका एपिक इनकी इनकी जो महाकाव्य के बारे में लिखा था इस तरीके से आपका पांचवा क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर किया छठा क्वेश्चन आपका आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट वन ब्लैंक वर्स इनकी ब्लैंक वर्ड्स होता क्या है आइए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा इसमें लिखना होगा आंसर में आप आंसर डालेंगे और ब्लैंक वर्ड्स आप हेडिंग डालेंगे ब्लैंक वर्ड्स में आपका आता है कि ब्लैंक वर्ड्स इज बेसिक पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज इन शेक्सपियर्स प्लेस इज इन इट्स रेगुलर फॉर्म होता है
यानी कि जो शेक्सपियर प्लेस का मतलब मानना है कि इट इज़ रेगुलर फॉर्म माना जाता है इसको, इट इज़ रेगुलर फॉर्म ए वर्स लाइन ऑफ द 10 syllables विद 5 strings एंड नो राइम, यानी कि नो राइम का मतलब होता है हेंस ब्लैंक। इट वॉज फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड बाई हेनरी हॉवर्ड। अब आप कहते हैं इसमें आगे लेंगे कि ईयर ऑफ द सेरे इन हिज ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ द एंड्राइड C50 1554 में, इन्होंने 50 यानी कि 1554 में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था इसमें, यानी कि अनुवाद किया था। द मोस्ट अर्ली ड्रामा वॉज रिटन इन द राइमिंग वर्स ऑफ्टन इन 14 ईयर्स, यानी कि 14 ईयर्स लाइन्स, यानी कि ऑफ 14 syllables ऑल्सो नाउज द पाउल्टर्स मीजर बिकॉज इट साउंड्स लाइक हेंस क्लकिंग बट नॉर्टन एंड सेक्वेल चूज ब्लैंक वर्स इन दियर ट्रेजिडी ग्रोडवर्क प्रेज्ड फॉर सर फिलिप सिडनी फॉर इट्स रिटोरिक, यानी कि जो सर फिलिप सिडनी में कहा गया है कि एंड बाई टाइम मेरियो ब्रॉट रियल ब्रिलियंस टू द लैंग्वेज ऑफ द स्टेज ब्लैंक वर्स हैड बिकम द मैटर ऑफ चॉइस शेक्सपियर ब्लैंक वर्स। इसमें लिखना होगा यानी कि शेक्सपियर ब्लैंक वर्स, यानी कि शेक्सपियर जी ने ब्लैंक वर्स में क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इन जनरल शेक्सपियर ब्लैंक वर्स एंड द वर्स ऑफ हिज पियर्स अलाउड यानी कि एब्लॉब्ड ओवर द ईयर्स फ्रॉम रेगुलर 10 syllables रेगुलर एंड स्टॉप्ड लाइन बट शॉफ्ट वट लाइन थ्रॉट यंडर विंडोज ब्रेकर, यानी कि रोमियो एंड जूलियट जो विलियम शेक्सपियर जी की रचना है रोमियो एंड जूलियट, इसमें इन्होंने 221 करके लिखा है कि टू बीकम इनक्रेंसिकली फ्लेक्सिबल ऑप्टन इंक्लूडिंग 1 or 2 extra syllables एंड वेरीफाइंग द रेगुलर आइम्बिक राइम हेमलेट टू मोस्ट फेमस सोलिकरी बींग्स रिलेबिटी रेगुलरली बट आई फॉलोइंग लाइन्स ईच हैव ए एक्स्ट्रा सिलेबस। इसमें लिखा है कि टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन व्हाट एवर इज द नॉवलर इन द माइंड ऑफ सफर द सीलिंग्स इन द एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून्स। तो ये हेमलेट जी ने लिखा है, इनमें किस तरीके से एक एक करके आपको यहाँ पे बताया कि 1.3.1.5.6.5.8 तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है, यानी कि हेमलेट जी ने लिखा है इसमें क्या लिखा है कि टू बी आर नॉट टू बी, यानी कि टू बी आर नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन व्हाट एवर द नोबलर इन टू माइंड ऑफ सफर द सिंग्स आर द अराउस आर आउटरेजियस फॉर्चून। तो इस तरीके से आपका ब्लैंक वर्स के बारे में आपको डिफाइन किया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सातवां नंबर आपका आता है कि राइट ए नोट ऑन द पोएटिक डिवाइस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है पोएटिक डिवाइसेस, हेडिंग डालेंगे आप इसमें पोएटिक डिवाइसेस। इसमें लिखना है कि पोएटिक डिवाइसेस आर द फ्रॉम लिटरेचरी डिवाइस यूज्ड इन ए पोएट्री पोएम्स आर द क्रेडिटेड आउट ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चुअल ग्रामेटिकल रैमेटिकल मेट्रिकल वर्बल एंड यूजुअल एलिमेंट। इसमें मोस्ट रूम से बताया गया कि स्ट्रक्चुअल ग्रामेटिकल यानी कि स्ट्रक्चुअल ग्रामेटिकल रैमिक मेट्रिकल वर्बल एंड यूजुअल एलिमेंट दे आर एजेंबल्ड टू दैट द पोएट्स यूज्ड एंड द क्रिएट राइमिंग एनिम्स ए पोएम्स मीनिंग आर इंटेंसिटी आर मूड आर फीलिंग पोएटिक डिक्शन इज द स्टाइल राइटिंग इन द पोएट्री व्हिच एकॉम्पसेस वोकैबुलरी फ्रेजिंग एंड द ग्रामेटिकल यूजेस अलोंग विथ सिंटैक्स पोएटिक डिक्शन फंक्शंस इन सेटिंग द टोन मूड आर एटमोसफेयर ऑफ ए पोएम टू कन्वे द पोएट्स इन द इंटाइमेशन यानी कि इंटेंशन होता है और फिर पोएट्स डिवाइज द सेल्फ ए पोएम
यानी कि पोएटिक में कहा गया है कि पोएटिक डिवाइसेस शेप्स ए पोएम। आप इसमें लिखेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, यानी कि जो पोएटिक डिक्शन है इसके कितने प्रकार होते हैं। पहला तो आपका है साउंड, साउंड में लिखना होगा, साउंड हेडिंग डालेंगे इसमें आएगा कि पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव ए सोनिक क्वालिटी अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट व्हेन हर्ड वर्ड्स विद ए साउंड लाइक क्वालिटी कैन स्ट्राइक रीडर्स एज द शूटिंग आर डिसर्न द एवोकिंग सर्टेन थॉट एंड द फीलिंग एसोसिएट विद इट। फिर पहला हेडिंग डालेंगे इसमें आपको एलिट्रेशन, ए स्ट्रिंग इन द एट लीस्ट थ्री आर फोर इंस्टेंस ऑफ द सेम कॉन्स्टेंट साउंड विद ए मोर देन वन इंटरवीइंग नॉन अल्टरनेटिव ऑन सच कॉन्स्टेंट साउंड। अल्टरनेशन इज यूज द मोनोमिक डिवाइसेस टू एवोक फीलिंग सच एज द फियर सस्पेंस इन पोएट्री। सेकेंड आता है इसमें आपका एसोनेंस, रिपीटेड वोवेल साउंड इन द वर्ड प्लेसेस नियर ईच अदर यूजुअली ऑन द सेम आर एडजेंट लाइन्स दीज वोवेल साउंड आर द यूजुअल एसेंट और स्ट्रेच्ड टू गिव एन म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम बाई क्रिएटिंग इन द इंटरनल राइम दे ऑल्सो एनचांस इन द प्लीजर एंड द रीडिंग द पोएम। फिर तीसरा हेडिंग है कि कंसाउंस, इसमें आपको लिखना कंसाउंस में हेडिंग डालेंगे कंसाउंस, कंसाउंस में लिखना होगा कि रिपीटेड कॉन्स्टेंट साउंड एट द एंडिंग ऑफ द वर्ड नियर ईच अदर यूजुअली ऑन द सेम और एडजस्ट लाइन द वुड बी साउंड दैट आर एनसेंटेड आर ट्रेस्ड रेदर देन इन ए वोवेल। यानी कि वोवेल का मतलब होता है स्वर, तो स्वर को किस तरीके से हम किस साउंड में हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया कीजिए पोएट्रिक डिक्शन। फिर आपको पता है कोकोफनी, कोकोफनी क्या होता है, हेडिंग लगे चौथा नंबर कोकोफनी, ए डिस्कॉर्डेंट स्ट्रेस द हर्स अनप्लेसेंट साउंड टू कन्वर्ट डिसऑर्डर दिस इज द ऑफ्टन इन्फ्लुएंस बाय द कंबाइंड इफेक्ट बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस। एग्जाम्पल होगा आपका कि माई स्टिक फिंगर्स क्लिक विथ ए सिंकर एंड ककलिंग दे नकल द कीज लाइट फोटेड माई स्टील फीलर फिकर एंड क्लक यानी कि एंड प्लक फ्रॉम द दीज कीज मेलोडियस प्रेयर पिनो एंड जॉन अपडिक। पांचवा आपका है यूरोफनी, यानी कि यूरोफनी का मतलब है कि ए सीरीज ऑफ द म्यूजिकली प्रेजेंट साउंड दैट गिव द पोएम ए मेलोडियस क्वालिटी कन्वीइंग ए सेंस ऑफ हार्मनी टू द रीडर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया में क्या आता है आपका ओनोमोटोपोइया में इट यूज द पोएट्री टू क्रिएटेड एक्चुअल इफेक्ट दैट मिमिक यानी कि मिमिक इज द यूजुअल इमेज डिस्क्राइब्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मे टू यूज टू क्रिएट ऑन ओनोमोटो पोएटिक इफेक्ट इट इज द हाउ एवर नॉट इम्परेटिव टू यूज वर्ड दैट इन द ओनोमोटो मोनो मोनो यानी कि ओनोमोटो पोएटिक इन एंड द थीम सेल्व्स। ओनोमोटोपोइया में फॉर एग्जाम्पल इनका इसमें होगा कि इन सैमुअल टेलर कलराइज द राइम ऑफ द एंशियंट मैनियर यानी कि मैरिनर कॉलरेज यूजेस द फेज फ्यूरो फॉलो ट्री फ्री टू मिमिक द साउंड ऑफ द बेक लेफ्ट बिहाइंड ए शिप। तो ओनोमोटोपोइया में ये आपका आ गया यानी कि राइट ए नोट ऑफ द पोएटिक डिवाइस, इसकी डिवाइसेस क्या थी, कौन कौन थी, तो इनकी जो डिवाइसेस थी वो आपको मैंने एक एक करके बताया। पहले तो साउंड आता गया था, फिर इलिट्रेशन, सेकंड नंबर एसोसिएंस, फिर आपका आता है कॉन्सोनेंस, फिर कोको फनी आता है, फिर आपका आता है यूफोनी यानी कि यूफनी हो गया, उसके बाद में फिर आपका आ गया ओनोमोनो ओनोमोटो हो गया। तो ये आपके एक एक पॉइंट्स हो गए आपके ग्रामेटिकल लैंग्वेज पे।
उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है। अब उसके बाद में सेक्शन बी आपका क्लियर कर दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो आपके पूरा पूर्ण रूप से आपका हो गया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। अब सेक्शन सी में आपका आता है कि अटैम्प्ट ओनली 2 questions in 15 words। आपको सेक्शन सी में आपका केवल आपके 2 प्रश्न करने हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 50 शब्द में होना चाहिए कम से कम। इसमें आपका 8वां क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन मिल्टन इज पोएट, यानी कि मिल्टन एक कवि हैं, इसको आप संक्षिप्त में लिखिए। 8वां हो गया आपका। 9वां क्वेश्चन है कि डिस्कस द पोएटिकल अचीवमेंट ऑफ द जॉन मिल्टन, यानी कि जॉन मिल्टन ने किस तरीके से अपनी कविताओं को अचीवमेंट किया है, डिस्कस कीजिए, यानी कि इनको कारण बताइए। 10वां आपका आता है कि डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रिस्ट ऑफ द नेचर, यानी कि हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ के डिस्कस कीजिए। इसमें आपका 11वां नंबर है कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोएट्री ऑफ मैथ्यू एनरॉल्ड जी का पोएट्री, यानी कि पोएम में, यानी कि काव्य के रूप में इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए। तो ये 4 questions आपको यहाँ पे सेक्शन सी के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में लॉन्ग पढ़ जाने के से आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो राइट लर्न ऑफ द नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट टर्म्स। तो अच्छे से आप लोग तैयार करिए और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आपको इंग्लिश का आपका सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है कि आज का आपका मॉडल पेपर रहा। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे इसमें आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, ज़रूर देखिएगा वीडियो को और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। पेपर नज़दीक है, आप लोग मस्त रहिए, आबाद रहिए।